एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग प्लांटेशंस और मेजर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज देखते हैं कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है वो क्या है। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहे हैं, उनके जितने भी डिमांड्स होते हैं फूड्स को लेके, तो उनके डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो फार्मिंग को इंक्रीज किया जाता है या फिर जो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है, उसी प्रोसेस को ही बोलते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो फूड जो क्रॉप्स होते हैं या फिर जो फार्मिंग का जो प्रोडक्शन होता है, उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, उसके लिए बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया। जो एरिया पे हम लोग क्रॉपिंग कर रहे हैं या फिर फार्मिंग कर रहे हैं, उस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, जितने क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं उससे और ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, उसको डबल कर सकते हैं। इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स और जो HYV सीड्स बोलते हैं, जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, तो उस टाइप के सीड्स और फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं। देन मैकेनिज्म, तो हम लोग जो है ट्रेडिशनल वे को छोड़ के जो मॉडर्न वे होता है या फिर जो मैकेनिज्म होता है, ट्रैक्टर से हो या थ्रेसिंग मशीन से हो या फिर जो सीडिंग मशीन जो होता है, जो भी काम होता है मशीन के थ्रू होते हैं, तो उसको भी यूज करके हम लोग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो एम होता है वो होता है इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी, कैसे खाने का जो कमी है, जो अभाव है, उसको पूरा किया जाए, उसी के ऊपर ही उसका मेन एम रहता है। तो एग्रीकल्चर देखो पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, तो अलग अलग वर्ल्ड में उसका मीनिंग अलग अलग होता है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं लाइक द इंडिया, तो उसमें क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं, तो इस टाइप की कंट्रीज़ में इंटेंसिव एग्रीकल्चर ज़्यादा सुइटेबल होता है, जो कि छोटे छोटे लैंड में किया जाता है और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए होता है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो या फिर कनाडा हो या फिर USA हो, तो उस टाइप के कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर जो है वो कमर्शियल पर्पज के लिए होता है, बिजनेस के पर्पज के लिए होता है, और उसमें जो फार्मिंग होता है वो बहुत ही लार्ज एरिया में किया जाता है। देखो यहाँ पे दो एग्जांपल दिया गया है, एक है फार्मिंग इंडिया और दूसरा है फार्मिंग USA। तो इसको पढ़ के ही हमें पता चलेगा कि वहाँ पे किस टाइप का एग्रीकल्चर होता है। तो देखते हैं फार्मिंग इंडिया। देखो तो इंडिया का एक स्मॉल विलेज है जिसका नाम है आदिलाबाद, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आता है। तो उसमें एक स्मॉल फार्मर रहता था जिसका नाम है मुन्ना लाल। तो उसके पास जो है 1.5 हेक्टर्स का लैंड रहता है, उसका घर जो है गांव में है, और वो HYV सीड्स मार्केट से हर एक दो साल के अंदर गैप में वो मार्केट से HYV सीड्स खरीदता है। उसका जो लैंड है बहुत ही फर्टाइल है और उसके और दो क्रॉप जो है एक साल में ग्रो हो जाता है। तो वो जो है नॉर्मली राइस और व्हीट और पल्सेस ग्रो करता है। वो अपनी दूसरे फार्मर फ्रेंड से या फिर जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनसे वो हमेशा एडवाइस लेता रहता है कि उनको उसको एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए या फिर प्रोडक्शन डेवलप करने के लिए क्या क्या करने चाहिए। तो उसने एक ट्रैक्टर जो है लोन पे लाया हुआ है अपने फील्ड को प्लोइंग करने के लिए। कुछ उसका जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो आज भी उनके फील्ड को प्लोइंग करने के लिए वही ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि बुलक और दूसरे जो चीज़ होते मेथड्स होते हैं। लेकिन उसने जो है ट्रैक्टर रेंट पे लाया ताकि उसका जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो पाए। उसने एक पास अपने फील्ड में ट्यूबवेल भी उसने लगवाया है और उसी से वो अपने ज़मीन को इरिगेशन करने के लिए हेल्प मिल जाता है। उसके पास जो है दो बुफालोज भी है और कुछ हैंस भी हैं। तो वो बुफालोज का जो मिल्क है उसको पास वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर में ले जाके बेचता है, और वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है, जिसमें कि उसको बहुत सारा एडवाइस मिलता है कि एनिमल्स को जो है कौन कौन से खाना देना चाहिए, उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए कैसे जो उनका जो ब्रीडिंग है वो किया जाए। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो है एनिमल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है आर्टिफिशियली, मतलब उनको आर्टिफिशियली ग्रो किया जाता है, जन्म किया जाता है। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वो एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के बारे में। तो जो मुन्ना लाल है वो बैंक से उधार आता है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी वो उधार मांगता है ताकि वो HIV सीड्स और बाकी के जो ज़रूरत के सामान है वो खरीद सके। वो जितने भी अपना प्रोडक्शन होता है उसको पास वाले मंडी पे बेच देता है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, इसलिए उनको कम दाम में जो क्रॉप्स होते हैं वो बेचना पड़ता है, क्योंकि स्टोरेज होने की वजह से वो स्टोर करके रख पाते और बाद में उसका जब दाम हाई होता है तो उसको बेच पाते, लेकिन इंडिया में इतना फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अभी इसकी ओर सोच रहे हैं कि जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जाए ताकि जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉफिट हो सके। तो ये था फार्म इन इंडिया के बारे में। अब देखते हैं फार्म इन द USA। तो USA में जो एवरेज साइज होता है फार्म का वो इंडिया के फार्म से बहुत कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तो इंडिया में जो USA में जो फार्म का साइज होता है वो 250 हेक्टर्स होते हैं। देखो मुन्ना लाल के पास ओनली 1.5 हेक्टर्स था और लेकिन USA में जो है 250 हेक्टर्स होते हैं। और वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फार्म के एरिया में ही रहते हैं, मतलब उनका जो घर जो है अपने फार्म के अंदर ही रहता है। और जो क्रॉप्स ग्रो होता है वहाँ पे वो होता है सोयाबीन, कॉर्न, व्हीट, कॉटन एंड सुगरबीन। तो उस वहाँ पे जो फार्मर्स का नाम है जो होरन, तो वो मिड वेस्ट USA में रहता है इन द लोवा स्टेट हु ओन्स अबाउट 300 एक्टर्स ऑफ लैंड। तो लोवा स्टेट में जो है जो होरन रहता है और उसके पास जो है 300 हेक्टर का लैंड रहता है। तो वो अपने फील्ड में बहुत अलग अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो करता है, लेकिन जो मेन क्रॉप्स होता है वो होता है कॉर्न। तो कॉर्न जो है, तो जब वो कॉर्न ग्रो करता है तो वो ये देखता है कि कॉर्न के लिए सुइटेबल वाटर और सॉइल जो है वो है कि नहीं। तो उसको बढ़ाने के लिए वो एडिक्वेट मेजर भी जो है वो लेता है, जैसे कि पेस्ट्स को कंट्रोल करना या फिर जो कीड़े लगते हैं उनको कंट्रोल करना, उसमें पेस्टिसाइड्स डालना और हमेशा जो है वो टाइम टू टाइम जो है सॉइल का सैंपल को चेक करता रहता है। मतलब वो जो है लेबोरेटरी ले जाता है सॉइल्स को और वहाँ पे सॉइल्स को चेक करता है कि उसका जो फर्टिलिटी है वो सही है या नहीं, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स है वो हमेशा वो चेक करता रहता है। तो जो जॉय होरन है वो एक साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स प्रोग्राम प्लान कर रहा है, जिसमें कि वो अपने फार्म में कंप्यूटर लिंक किया हुआ है सैटेलाइट्स के थ्रू, जो कि उसको हमेशा एक क्लियर पिक्चर देते रहते हैं अपने फील्ड्स का। तो इससे जो है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है, उसके मदद से वो जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड होता है वो कहाँ कहाँ डालना होता है अपने फार्म में वो देख पाता है इजीली। वो जो है ट्रैक्टर, सीड्स ड्रिल्स, लेवर, ऐसे बहुत सारे मशीन का यूज करके, जैसे कि हार्वेस्टर, थ्रेसर, ये सभी जो है जितने भी काम होते हैं वहाँ पे खाली मशीन में ही होते हैं। और उसके बाद जो ग्रेन हार्वेस्ट होता है तो वो ग्रेन को स्टोरेज करने के लिए वहाँ पे एक मार्केट के पास एक स्टोरेज है, वहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है। तो जो फार्मर होते हैं USA में वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, ना कि एक फार्मर्स की तरह। तो वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो भी एक बिजनेसमैन की तरह ही दिखाई देते हैं, मतलब उनका हर जो काम है वो सिस्टमेटिक रहता है, मशीन्स के थ्रू ही होते हैं और उनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। लेकिन इंडिया में जो है ऐसा नहीं होता। और वो जो पेस्टिसाइड्स, देखो यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे जो पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं वो हेलीकॉप्टर के थ्रू वो स्प्रे किया जा रहा है। तो इससे सोचो कि जो उनका फार्म का साइज होगा वो कितना बड़ा होगा, है कि नहीं। तो ये फ़र्क है इंडिया के फार्म में और USA के फार्म में।